हेलो फ्रेंड, 16 दिसंबर 2017 आज है आपका एग्ज़ाम एमपी पटवारी का। और आज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट जीके आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो इस वीडियो में मैं आज कवर करूँगा। देखिए, ये सभी क्वेश्चन मैंने पिछले प्रीवियस ईयर में जो आपके पूछे गए हैं एग्ज़ाम में स्पेशल फॉर एमपी पटवारी के और एमपी एसआई दोनों को मर्ज करके मैंने एक वीडियो तैयार करा है। और एग्ज़ाम का पेपर जो डिज़ाइन आपका होगा वो कुछ नहीं होता, पिछले क्वेश्चंस में से पेपर उठाए, वहाँ से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करें, नया पेपर आपको डिज़ाइन कर दिया, एक दो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसमें डाल दिए, बन गया आपका पेपर। पेपर ऐसे ही बनता है। कभी भी आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, देखिए मैं एमपी पटवारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की करते हो या फिर यूपी की करते हो, तो आपको सिंपल सबसे पहले अपना बेस स्ट्रांग करना है। बेस स्ट्रांग करने के लिए सिलेक्टेड कुछ बुक होती हैं, उसको परचेज कर लो, उसको पढ़ लो, उसके बाद में केवल केवल फोकस करिए अपनी स्टेट के मॉक टेस्ट पर, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इतना बहुत है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इस सबको करने में केवल मात्र आपको लगेगा केवल 8 महीने 10 महीने, मैक्सिमम चलो मान लो हद से हद आपका 1 साल, 1 साल में आपका कहने का सिलेक्शन हो जाता है, और ये फैक्ट है कहीं ना कहीं। बाकी देखिए, यहाँ वहाँ दिमाग आप लगा के रखो रखो कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो किताब इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक हो रहा है, होगा या फिर नहीं होगा, हमारी किस्मत में सिलेक्शन कहाँ पर है, तो ये सब बातें बिल्कुल फालतू हैं। अगर इन सब संशय के साथ में इतने डाउटफुल केस में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सिलेक्शन में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, वो तो वक्त आपको बताएगा। भाई होता है ना, काफ़ी सारे बच्चों को टाइम लग जाता है, 3-3 साल तक नंबर नहीं आता उनका, 5-5 साल तक नंबर नहीं आता उनका, सच में सच कह रहा हूँ मैं ये बात 5-5 6-6 साल लग जाते हैं सिलेक्शन में, फिर भी डब्बा गोल। गलती कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती है ना उनसे, सिलेक्शन तो उसका भी हो रहा है जो 1 साल की तैयारी करते हुए बैठ गया है एक्साइज इंस्पेक्टर पर, एसएससी सीजीएल पोस्ट पर। थिंक अबाउट इट। देखिए, बात अधिक हुई, मैं बढ़ता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर, समझदार को इशारा काफ़ी। पॉइंट नंबर 76, देखिए इससे पहले के जो भी पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस करे थे, 14 दिसंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था उस एग्ज़ाम के लिए, फिर बनाया था मैंने 15 को, आज है आपकी 16 है, ठीक है। तो पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल है। पॉइंट नंबर 76 है आपका, सांचे किसकी कला वे मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो ये करता है आपका बोध कला वे मूर्ति कला का। देखिए, ये जो बोध थे, महात्मा बुद्ध जो थे, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। बुद्ध और जैन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, अगर आपको इनकी सभी घटना याद है तो अच्छी बात है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, और बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, ये आपको पता होगा, बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन था। और देखिए, इनका जो प्रथम उपदेश हुआ था वो हुआ था सारनाथ में, इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और इन्होंने जो गृह त्याग करा था, मतलब घर को छोड़ दिया था इन्होंने कि मुझे बौद्ध धर्म को अपनाना है, मुझे इस ज्ञान का प्रचार करना है, तो मुझे दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, घर को छोड़ दिया था, वो छोड़ा था इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, और इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्कर्मण, राइट। और भी बहुत कुछ है, फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा आपको। बाकी बात करते हैं 77 नंबर पॉइंट पे कि नाजीवाद का मुख्य संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है एडोल्फ हिटलर को। 78 नंबर है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के। और पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका इटली में। 80 नंबर है आपका, कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के किस सिद्धांत का विकास किया था, साम्यवाद का। 81 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, यह दल है क्या, रिपब्लिकन वे डेमोक्रेटिक पार्टी। 82 नंबर है, भारत के वह प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन उनके शासनकाल में हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 83 नंबर है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है, तो वो है आपका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का। 84 नंबर है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर का मुख्य एम क्या है, तो इसका एम है आपका विलुप्त हो रहे जीवों की रक्षा करना। 85 नंबर, किस आंदोलन द्वारा हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया गया, शुद्धि आंदोलन द्वारा। 86 नंबर है, संसद के लिए राष्ट्रपति के भाषण को कौन तैयार करता है, तो ये करता है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल। 87 नंबर, नचिकेता और यम सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित हैं, तो ये है आपके कठो उपनिषेद में। 14 नंबर में मैंने आपको बताया था, जो ये वीडियो था 14 तारीख
सॉरी, जो 14 का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करा था स्पेशल फॉर एमपी के लिए। आपको मैंने उसमें बताया था कि उपनिषेद की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या कितनी है, महापुराणों की संख्या कितनी है, वेद कितने हैं। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में जो भी चीज़ें हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बन रहा है एमपी पटवारी के लिए। तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो देखने के विचार में नहीं है, नेट पैक बहुत बहुत कम है आपके पास में, तो बुक उठा लीजिए। वैदिक साहित्य से संबंधित आपको हर एक बुक में मिल जाएगा ये टॉपिक, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है आपका 88 नंबर। चलिए बढ़ते हैं 88 नंबर पर कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है। तो वो है आपकी टॉनी मॉरिसन। 89, दच्चीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। और 90 नंबर है आपका, एक्टिओमीटर से क्या मापते हैं। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता। 91 नंबर है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वो है आपका वनों को लगाने के लिए, मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए एवं प्रतिभूमि के विकास के क्षेत्र में। 92 नंबर है आपका, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये आपके भास्कराचार्य। और यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये है आपका कर्नाटक से। 94 नंबर है, वृद्ध अवस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये है आपका जीरे एस्ट्रोलॉजी। और 1 KB में होता है क्या, 1024 बाइट्स। अब देखिए, मधुबनी कला से किस राज्य का संबंध है। तो ये है आपका बिहार से। 97 नंबर है आपका, मालती माधव किसकी कृति है। तो ये आपकी भवभूति की। और केदारनाथ में किसका मंदिर है, तो ये है आपका शिव का। 99 नंबर है आपका, आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति में उत्तराखंड में स्थापित 2 मठ कौन से हैं। भाई मठों का स्थापन जो करा है वो करा है आदि शंकराचार्य ने, तो वो मठ कौन से हैं। ज्योति मठ है आपका जोशी मठ में, और जागेश्वर धाम। 100 नंबर है आपका, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। यह जो पंक्ति लिखी थी किसने लिखी थी, यह लिखी थी मोहम्मद इकबाल ने। 101, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो वो किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर। अब देखिए, वीटो पावर कितनी होती है, वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है 3 प्रकार की। और इसके साथ में राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि महाभियोग जो उस पर लगाया जाता है, राष्ट्रपति को उसकी पदावधि की समाप्ति से पहले जो एक लेटर दिया जाता है जिसको बोलते हैं महाभियोग, उसको पद से हटाया जाता है। तो ये सब जो प्रक्रिया होती है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो ये है आपका आर्टिकल क्या, 61। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, कभी कभी आपसे पूछता है कि इसकी योग्यता, इसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसकी आयु आपको पता होगी कि इनकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यही सेम उपराष्ट्रपति की भी होती है, यही सेम एज होती है आपकी राज्यपाल की भी। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इन सबकी जो एज लिमिट होनी चाहिए 35+ होनी चाहिए। 35 से कम व्यक्ति ये सभी पद धारण नहीं कर सकता। और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, संघीय कार्यपालिका क्या होती है। एक्चुअली राज्य, संविधान, ये सब जो है, ये टॉपिक बिल्कुल सेपरेट है, किसी और दिन मैं डिस्कस करूंगा। मैं बढ़ता हूँ फिलहाल आगे अपने अगले पॉइंट की ओर। 102 नंबर है आपका, दुलहस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया आपका चिनाब नदी पर। 103 नंबर आपका, एंटोनियो माइनो किस भारतीय राजनेता का अप्राणिता नाम है। तो ये आपका सोनिया गांधी का। 104 नंबर है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1926 में। और 105 नंबर है, विश्व में सबसे ज्यादा कोको किस देश में पैदा होता है। तो ये होता है ब्राजील में। 106 नंबर है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस फिल्म कलाकार को प्रदान किया गया, देविका रानी को। 107, भारत की दूसरी महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी कौन है। तो ये आपकी सुजाता मनोहर। 108 नंबर है, शिशु ईशा का गिरजाघर कहाँ बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपका गोवा में। और बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो वह है आपकी छठ पूजा। बात कर रहे हैं एमपी की, तो बिहार कहाँ से आ गया जी, अदर स्टेट, पड़ोसी देश है आपका, आपसे शहर पूछ सकता है। 110 नंबर है आपका, हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई हैं उन सभी चीज़ों को प्लीज़ पेन डाउन करना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी के बारे में, और इस वीडियो में जाने से पहले आपको बताऊंगा विटामिन के बारे में। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पक्का पूछता है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा उसको लिख लीजिए। देखिए, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग को बोलते हैं बेरी बेरी। और विटामिन ए और बी
दोनों के आविष्कारक थे आपके मैकुलन। और बात पूछता है कभी कभी आपसे एग्जाम में कि विटामिन की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी आपकी फंक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और डीएनए की खोज किसने करी थी, जेम्स वॉटसन एवं क्रिक ने। आपको पता होगा शायद ये बहुत ही कई बार आपके एग्जाम में आया भी होगा और मॉक टेस्ट में भी। क्या जेम्स वॉटसन एवं क्रिक ने किसकी खोज करी थी, किसका आविष्कार करा था? ऑप्शन आपके सामने चार रहेंगे, आरएनए, डीएनए, इंसुलिन या फिर आपको कुछ और नाम देगा तो आपको याद रखना डीएनए। ठीक है, तो बस यही था वीडियो को एंड करने से पहले छोटी सी नॉलेज आपके लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और भी बहुत कुछ है, देखिए ब्लड ग्रुप क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। और चलिए ठीक है, अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा इस मैटर पर मैं। तो फ्रेंड बस लेता हूँ आपसे अलविदा। वीडियो पसंद आया तो थोड़ा सा इसको लाइक कर दीजिएगा चिन्नक सा, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, वहाँ पे चिन्नक से बात नहीं बनेगी आपकी। और फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी आप यूज़ करते हैं नेटवर्किंग साइट, उसके माध्यम से इसके लिंक को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप भी आगे बढ़िए, औरों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए। वो उसकी मेहनत या आपकी मेहनत, जिसकी जितनी मेहनत उसके हिसाब से उसको वो पोस्ट मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। एग्जाम में जाने से पहले पेन पेपर मतलब एडमिट कार्ड, ठीक है, अपने पास रख लेना संभाल करके। और कोई चीज़ भूलनी नहीं है, पेशेंस बना के चलना है एग्ज़ाम में। कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसमें कूल एंड काम तरीके से उसको अटैम्प्ट करना है। उसका स्ट्रेस अगले क्वेश्चंस पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं एग्जाम देखते ही। पता नहीं ऐसा क्या होता है, पता नहीं क्या बोल दिया उसको, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना बोल दिया बच्चों को, बच्चे को बोल दिया मिसाइल लॉन्च करनी है, चलो इसका ट्रिगर दबाओ। अब हमको पता नहीं ट्रिगर कैसे दबाना है, ठीक है। तो ऐसा कोई टिपिकल एग्जाम नहीं होगा आपका, जितना आता है अपना 100% दीजिए। और आकर के एग्जाम लीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इन सब अफवाहों से फिलहाल दूर रहना, अगले फिर एग्जाम पर फोकस करना। एक एग्जाम पे 100% दे दिया, अगला एग्जाम जो भी हो फिर उसकी प्लानिंग करनी है आपको। जब तक सिलेक्शन नहीं होना तब तक पढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। घुटने नहीं टेकने हैं, हाथ खड़े नहीं करने हैं, राइट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।